आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेसिंग विद फाइबर टेप। Hi friends, my name is Dr. DP Sharma and I am consultant orthopedics and sports injury surgeon. दोस्तों, sports injury मतलब arthroscopy की surgery और आज हम special बात करने वाले हैं what are the advantages of all inside internal bracing with fiber tape. ये एक latest technique है दोस्तों, ACL या हम इसमें और भी तरीके की surgeries कर सकते हैं, पर हम most common injury की बात करेंगे ACL की surgery। आप यहां देख रहे हैं एक टॉर्न ACL लिगामेंट। ACL लिगामेंट जो है हमारे घुटने की ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी देता है। इस लिगामेंट के डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं। आपका घुटना ट्विस्ट हुआ, आपका बाइक का वजन आ गया इसमें, आप पॉटहोल में गिर गए या गड्ढे में गिरे और आपका घुटना ट्विस्ट हो गया, स्टेयर्स से गिर गए, डैशबोर्ड इंजरी हुई, कार एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी। जनरली इस लिगामेंट के टूटने के बाद आपको उस दिन या उसके नेक्स्ट डे काफ़ी स्वेलिंग आती है और कई बार पेशेंट्स का नी एस्पिरेशन यानी कि घुटने में से फ्लूइड निकालने की एक प्रक्रिया भी करी जाती है जिसको एस्पिरेशन बोलते हैं और उनको स्लैब दे दी जाती है। तब तक कि ये इंजरी पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ये एक्सरेज में मिस हो जाती है और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल असेसमेंट मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एंटीरियर ड्रॉअर और लैचमैन टेस्ट या फिर इसमें MRI की बहुत ही ज़्यादा सहायता हमें मिलती है जिसमें हमें अंदर ACL ही नहीं बल्कि मेनिस्कस और PCL जैसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स के बारे में भी पता चलता है। अब दोस्तों, ये तो बहुत आम बात हो गई है कि इसकी सर्जरी दूरबीन से करी जाती है, पर सक्सेसफुल रिजल्ट्स देने के लिए हमें टेक्निक को एडवांस करते रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं और इम्प्लांट्स भी आ गए हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल जो है एंडो बटन्स आ गए हैं, बायोकॉम्पोजिट बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज आ गए हैं और एक लेटेस्ट टेक्निक आई है ऑल इनसाइड मतलब कि हम बाहर की हड्डी जो फीमर बोन है और जो टीबिया की बोन है ऊपर नीचे की, इनको बाहर से हम ड्रिल ही नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ अंदर से ही करा जा रहा है घुटने के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी जो बोन लॉस है, जो बोन की ड्रिलिंग है, वो स्पेशली टीबिया साइड में बहुत कम हो जाती है। इसमें हमें रिकवरी में बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी हमें देखने को मिलती है और इसमें हम कम लिगामेंट की लेंथ में भी या कम लिगामेंट यूज़ करें जैसे कि दोनों टेंडन ना लेके हैमस्ट्रिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही टेंडन से हम काम चला सकते हैं क्योंकि हमें इसमें लिगामेंट की लेंथ जो है कम चाहिए क्योंकि हम इसमें कोई स्क्रू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है? यही एडवांटेज है कि हमें कोई स्क्रू का प्रयोग नहीं करना है, उसके गलने का कोई वेट नहीं करना है, रिमूवल का कोई वेट नहीं करना है और लिगामेंट भी कम लग रहा है। तो अर्ली रिहैबिलिटेशन, कम हमें लिगामेंट का ग्राफ लेना पड़ा, लिगामेंट जो हैमस्ट्रिंग है उसका ग्राफ भी हमें कम लेना पड़ा। अर्ली रिहैब, आपकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी और बोन का जो लॉस है वो कम होगा। तो ये बहुत एडवांस टेक्निक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने हमारे पेशेंट के लिए करी है। और अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड कोई भी ऐसी दिक्कत है या तकलीफ है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए और हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू सो मच।